आज का दिन हम हरिओम परिवार वालों के लिए बहुत ही खुशी का दिन है। एक पूरा वीक मंदिर में हवन चलता रहा, यज्ञ चलता रहा, रोजाना पूजा होती रही, हनुमान महाराज जी का प्राण प्रतिष्ठा की सेलिब्रेशन चलती रही, सुंदरकांड का पाठ होता रहा, चालीसा का पाठ होता रहा, बहुत ही विधि विधान से, जैसे स्वामी जी ने भी समझाया कि हमारे पंडित जोगेश जी और दिनेश जी दोनों ने मिलकर बहुत ही विधि विधान से रोजाना पूजा की, रोजाना हवन किया। और इस आज जो सेवंथ साप्ताहिक हवन का जो पूर्णाहुति डाली गई और ये यज्ञ समाप्त हुआ, कंप्लीट हुआ, संपूर्ण हुआ, उसकी मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मैं आज स्वामी अर्जुनपुरी जी और स्वामी वेदांति जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि कैसे संक्षिप्त सरल लफ्जों में आपने हमको रामायण का ज्ञान, जो उसका सार है, तत्व है, वो समझा दिया। और आप सभी बहुत सौभाग्य हैं, सब आपका बहुत सौभाग्य है, बहुत लकी है कि दोनों स्वामी का एक साथ प्रवचन सुनने का आज हमें सौभाग्य मिला। स्वामी जी थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ आज का दिन बहुत खुशी भरा दिन है। ये एक दिन, आज का दिन हमारे लिए एक हिस्टोरिक दिन भी है कि आज से, आज के बाद हमारे टेंपल में हम कह सकते हैं, बहुत गर्व से कह सकते हैं कि दुनिया की सबसे टालेस्ट, सबसे बड़ी मूर्ति जो कि 20 फुट टाल है, मेड आउट ऑफ सिंगल मैकराना स्टोन, इज द टालेस्ट इन द वर्ल्ड, वो हमारे हरिओम मंदिर में स्थापित हो चुकी है। और मुझे आशा है कि इन द नियर फ्यूचर, आने वाले समय में, ये हमारा मंदिर एक टूरिस्टिक प्लेस बन जाएगा कि जो भी भक्तजन, कोई डिवोटी शिकागो लैंड में विज़िट करने के लिए आएगा, जैसे वो लुमान टेंपल में जाते हैं या बैप्स में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, हनुमान जी के इस मूर्ति के साथ साथ हमारा मंदिर भी उन दूसरे मंदिरों के जैसे एक हिस्टोरिक विजिटिंग प्लेस घोषित हो सकता है। हम ट्राई करेंगे, उसकी कोशिश करेंगे। और आज के बाद, जैसे बोलते हैं कि मूर्ति तो मूर्ति होती है, पत्थर से बनती है, जब उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तब प्रभु उस मूर्ति के अंदर निवास करते हैं। तो आज जब ये हवन, ये यज्ञ प्राण प्रतिष्ठा की सेलिब्रेशन कंप्लीट हुई, तो आज हम समझ सकते हैं कि ये प्रभु हनुमान साक्षात हमारे मंदिर में विराजित हैं। और प्राण प्रतिष्ठा का कंप्लीट सेरेमनी हो चुकी है। आज के बाद जैसे हम टेंपल के गेट के अंदर एंटर करेंगे तो एकदम हमारा जो मस्तक है वो बहुत श्रद्धा से अपने आप झुक जाएगा, जैसे हम इस सुंदर मूर्ति को देखेंगे। ऐसा आनंद कहाँ मिलता था। हम लोग, अगर आपने आप सोच के देखो कि किस किस को ऐसा सौभाग्य अभी तक प्राप्त हुआ है कि आप जैसे ही मंदिर में एंटर करें तो आपको ऐसी सुंदर मूर्ति का एकदम दर्शन हो। अभी हरिओम मंदिर में वो आपका पॉसिबल हो चुका है। जैसे ये टेंट निकल जाएगा, जस्ट सी दैट टुमारो मॉर्निंग, क्या श्रद्धा भावना आती है। और हम सभी को ये तो मालूम है कि हनुमान जी श्रद्धा, डेडिकेशन और स्ट्रेंथ के सिंबल हैं, के चिन्ह हैं।
तो हम प्रभु से यही प्रार्थना करेंगे कि वही मानसिक स्ट्रेंथ और वही शक्ति, भावना, भक्ति हम सभी को प्रदान करें। आज हम सभी एक दूसरे को बधाई दे रहे थे संपूर्ण यज्ञ की, संपूर्ण हवन की, और मैं भी सभी को बधाई दे रहा था। सभी लोग, मेरे को भी आके काफ़ी लोगों ने बधाई दी। ऑफ कोर्स इट्स ए टाइम टू कंग्रेचुलेट एवरीबॉडी एंड आई हैव बीन एक्सेप्टिंग दैट कंग्रेचुलेशंस एज ए प्रेजिडेंट। आई हैव बीन एक्सेप्टिंग दैट in the name of every one of you. और मेरे को ये भी सौभाग्य प्राप्त हुआ कि ये सारा वीक एज ए प्रेजिडेंट आई वॉज गिवन द अपॉर्चुनिटी टू रिप्रजेंट ऑल ऑफ यू, ऑल द हरिओम परिवार, समस्त हरिओम परिवार जब पूजा में बैठते थे या हवन स्टार्ट होता था, तो आई हैड दैट अपॉर्चुनिटी और सौभाग्य कि मैं आप सभी हरिओम परिवार को उस पूजा में, हवन में प्रेजेंट कर सका। और जैसे मैंने कल भी बोला था कि जैसे ही पंडित जी मेरे को बोलते थे कि ये मंत्र उच्चारण करो या वो लफ्ज उच्चारण करो या हवन में आहूति डालते थे, तो मैं आप सभी को याद करता था कि ये हे प्रभु, ये जो आहूति है, ये जो मंत्र उच्चारण है, मैं आप सभी के नाम से ही कर रहा हूँ और इसका पुण्य, इसका आशीर्वाद, इसकी ब्लेसिंग आप सभी को उतनी ही प्राप्त हो जितनी मुझे हो। और आज फिर मैं प्रभु से यही प्रार्थना करूँगा, हे प्रभु, समस्त हरिओम परिवार पे हमेशा ऐसी दया दृष्टि बनाए रखना और हम सभी में वही शक्ति भावना दृढ़ करना जैसे आप खुद में थी। बेशक मुझे इसका सौभाग्य मिला कि मेरे टाइम, कहते हैं कि आपके प्रेसिडेंसी में ये हो गया, ये मेरा सौभाग्य था, लेकिन इसका क्रेडिट जो है वो मेरे अकेले को नहीं जाता। इसका क्रेडिट सबसे पहले तो आप सबको जाता है कि कितनी देर से आप सभी लोग इसकी वेट कर रहे थे, इसके लिए प्रेयर्स कर रहे थे, इसके लिए कितनी श्रद्धा से आप सभी वेट कर रहे थे कि ये कब हनुमान जी हमारे मंदिर में पधारें और हम सभी उसका सेलिब्रेशन कर सकें। ये आपकी प्रेयर्स का नतीजा है कि हम आज ये कार्य संपूर्ण कर सके हैं। उसके बाद इसका क्रेडिट हमारे बीओटी चेयरमैन अयोध्या सलवान जी को जाता है। जब से इनको ये कार्य दिया गया, कि 4-5 साल पहले या शायद उससे भी ज़्यादा, तो उस टाइम से वो इस कार्य में जुट गए। कहाँ जाके उन्होंने राजस्थान में जो मूर्ति तराशने वाले थे उनको ढूंढा, उनके साथ संपर्क एस्टेब्लिश किया और पहले मूर्ति आई जो किसी कारण करके, प्रॉब्लम्स करके वो स्थापित नहीं हो सकी, तो इमीडिएटली जो दूसरी मूर्ति थी उसका कार्य आरंभ कर दिया। इसी प्रोग्राम में, इसी सिलसिले में उन्होंने कितने इंडिया के ट्रिप लगाए हैं शायद आप सब नहीं जानते। कितनी बार वो राजस्थान गए हैं, कितनी बार वो जो मूर्ति तराशने वाले थे उनको साथ लेके जाके जो माइन के अंडरग्राउंड वो जो स्टोन है उसको सिलेक्ट करके आए। जैसे जैसे मूर्ति स्थापित होती, तैयार होती गई, तो ये हमेशा जाके उसकी आविर से चेकिंग करते थे, ये श्योर करते थे कि बिल्कुल ठीक ठाक बन रही है और विधि विधान से सारा काम ठीक चल रहा है। तो जब तक वो वहाँ तक शिप हुई, मूर्ति शिप होने तक भी ये डिटेल थे, जब यहाँ आ गए इधर तक, मंदिर में उतारने तक, स्थापित करने तक, आज तक बिल्कुल फुली इन्वॉल्व रहे हैं इसमें। प्लीज़ गिव हिम वन से बिग हैंड अगेन।
अवतार भंडारी जी शायद इधर नहीं है, उनका भी बहुत योगदान रहा इसके सिलसिले में कि कितनी बार वो भी जा के राजस्थान उनको मिल के आए और मूर्ति की प्रोग्रेस में उन्होंने अपने चक्कर लगाए और उसको अकंपनी किया। इसके बाद जो क्रेडिट जाता है वो हमारी बिल्डिंग कमेटी को जाता है। बिल्डिंग कमेटी ने कितनी कितनी डिटेल डिज़ाइन बनाने और सारा कैलकुलेशन की और सभी उसको तैयारी करके जो भी इंजीनियरिंग वाइज टेक्निकली जो भी नेसेसरी था उन्होंने सभी कितने कितने अपना टाइम डिवोट किया उसको और उसको कंप्लीट किया। प्लीज़ गिव ए बिग हैंड टू द बिल्डिंग कमेटी। तो इसलिए उसके जो पास्ट प्रेसिडेंट्स हैं विपिन वडेरा जी, निर्मल बग्गा जी, अक्षय सरकार, राजीव बहरेल, ये तो अभी इधर उपस्थित हैं और इनके पहले जो और प्रेसिडेंट्स और बोर्ड मेंबर्स और ब्यूटी मेंबर्स रमेश मलन जी, आप थोड़ा कम आते हैं तो आप का ध्यान ही रहा, रमेश मलन जी आप हमारे पास प्रेसिडेंट्स हैं, इन सभी का कितना योगदान है इसमें, इन सभी को क्रेडिट जाता है इसका। प्लीज़ गिव दम ए बिग हैंड। ये प्रोग्राम, ये कार्य एक्चुअली इनके टाइम पे ही स्टार्ट हुआ था, अभी मेरे को तो सिर्फ इसको संपूर्ण करने का सौभाग्य मिला है। जैसे ये फंक्शन दो तीन चार वीक पहले, एक मंथ पहले स्टार्ट हुआ, तो कितने डिवोटीज और कितने बहन भाइयों ने इसकी प्रेपरेशन में, इसकी ऑर्गेनाइजेशन में, इसकी एक्सिक्यूशन में संयोग दिया, मैं उन सब का एक बार धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं कुछ लोगों का नाम लूँगा पर जिसका नाम नहीं लूँगा, और सभी ने जिसने भी इसमें हेल्प किया, योगदान डाला, माय स्पेशल थैंक्स टू एवरी वन ऑफ यू हु हैज हेल्प्ड इन दिस, बट माय स्पेशल थैंक्स गोज टू सुरेंद्र कलसी जी। जैसे कोई भी ज़रूरत पड़ती थी, कोई इधर ईंट लगानी है जो उधर ईंट लगानी है, इधर लाइट लगानी है जो उधर लाइट लगानी है, दिन है या रात है, इंडिया गए हैं तो इंडिया में इनको कॉल करते रहे हैं कि ये करना कैसे करना है, वो कैसे करना है, तो उधर से भी ये बहुत ध्यान से और बहुत रिस्पांसिबिलिटी से फ़ोन अटेंड करके हमको गाइड करते रहे। तो उसके बाद विपिन वडेरा जी, जब भी इनका एक्सपीरियंस हमने यूज़ किया, बहुत यूज़ किया इनका एक्सपीरियंस, रात को भी इनको जाने से पहले बोल रहा था कि हम भाग दौड़ तो कर सकते हैं लेकिन एक्सपीरियंस के बिना नहीं चलता काम, तो इनका जो पास्ट एक्सपीरियंस था उसको हमने बहुत, हमारे लिए बहुत लाभदायक प्रूव हुआ, तो उसके लिए हम आपको स्पेशल थैंक्स करना चाहते हैं। निर्मल बग्गा जी, जो सभी आप डेकोरेशन देख रहे हैं, निर्मल बग्गा जी कहाँ हैं, जो सारी आप डेकोरेशन देख रहे हैं अंदर बाहर, प्रभु की मालाएं जो बनाई गई थी, जो निर्मल बग्गा और उनकी टीम ने सभी इकट्ठे होकर ये सारी डेकोरेशन की, माला बनाई और सभी प्रेपरेशन की, और इन्होंने ये नहीं देखा कि दिन है या रात है, लेट इन द इवनिंग लगे होते थे। थैंक यू वेरी मच निर्मल बग्गा जी। अक्षय सरकार, राजीव बहरेल, रात को अगर 11 बजे हैं, 12 बजे हैं, 1 बजा है, तो ये इकट्ठे बैठे वो इनविटेशन तैयार कर रहे हैं, लोगों को कार्ड भेजने के लिए जो वो प्रेपरेशन कर रहे हैं, कोई भी और काम जो है, दिन है या रात है, इन्होंने ये नहीं सोचा, और जब भी इनको रिक्वेस्ट किया, बुलाया गया, दे आर इमीडिएटली ऑलवेज अवेलेबल। थैंक यू वेरी मच। अनिल सक्सेना शायद नहीं आए इधर आज, उनकी माता जी का थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी तो आ नहीं आ सके, स्पेशल थैंक्स गोज टू अनिल सक्सेना जी आल्सो।
उपमा हार्डी, उपमा जी शायद नहीं आए, आप सभी ने उनको देखा होगा, शायद नीचे हैं अभी भी, वो सर्विस कर रही हैं अभी भी सर्विस कर रही हैं। तो वो आप सभी ने उनको देखा होगा कि गार्बेज कलेक्शन एरिया में वो हर टाइम उपस्थित थी, उधर गाइड कर रही थी, ये इधर डालो वो उधर डालो, ताकि टू कीप द अर्थ क्लीन। अगर किसी ने गंदा खाना या जूठा खाना किसी गलत जगह पे डाल दिया, गलत कैन में डाल दिया, उधर से अपने हाथों से उठा के वो दूसरे कैन में डालती थी। आई थिंक ओनली दैट डिवोशन, दैट उपमा जी की डिवोशन जो है, जो इसकी उनकी श्रद्धा है, वही ये कर सकती हैं। हम सभी के लिए इतना आसान नहीं होगा। तो माई स्पेशल थैंक्स गोज़ टू उपमा जी। गोपाल तिवारी जी, जीतू पटेल और सभी बोर्ड मेंबर, दे ऑल हेल्प्ड इन एवरी स्टेप। थैंक यू वेरी मच द होल टीम। वी स्पेशली ड्राफ्टेड हरदेव राज, अजय घाई और भरत पटेल, बाबू सरकार, they were specially drafted, actually they were asked, requested to take vacation from their job and be present here to help the temple, and they did that. And last but not the least, the most important, I was holding for last, are our Pandit ji, पंडित जोगेश पांडे जी, बाहर मत जाइए थोड़ी देर, पंडित जोगेश पांडे जी, पंडित दिनेश जी, पंडित दिनेश जी की पत्नी जो अभी रिसेंटली इंडिया से आई हैं, स्वामी जी ने भी उनका स्पेशल थैंक्स किया, मनु भाई और शारदा बहन, इन्होंने कितना टाइम और श्रद्धा से सारे टाइम काम किया, स्वामी जी की देखभाल की और बहुत विधि विधान से सारा पूजा और हवन का परफॉर्मेंस की सारा। वन अदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिवोटी जो हम नहीं भूल सकते, उषा वर्मा जी। उषा वर्मा जी प्लीज स्टैंड अप फॉर अ मिनट। इनको बोला था कि आप अपनी टीम तैयार कर लीजिए, आपकी रिस्पांसिबिलिटी है, खाने खाना का प्रसाद जो है उसका प्रेपरेशन सर्विस वो इनकी ड्यूटी थी। इन्होंने अपने आप एक्सेप्ट की, हमने इनको फोर्स नहीं किया, अपने आप एक्सेप्ट की इन्होंने अपनी श्रद्धा के कारण। इनको बोला अपनी टीम बना लीजिए, तो इन्होंने टीम तो अपनी बनाई, लेकिन जब हम इनको देखते थे तो वो अकेले ही लगे होते थे, मालूम नहीं इनकी टीम साथ आई या नहीं आई, लेकिन इन्होंने जो भी किया बहुत श्रद्धा भावना से किया और परफेक्ट किया। सो किसी भी भाई बहन का अगर मैं नाम नहीं ले सका, प्लीज़ एक्सेप्ट माय थैंक्स, हार्टियस्ट थैंक्स, थैंक यू वेरी मच। Once again, after I congratulate everybody, मेरे को बोल रहे हैं, इशारा कर रहे हैं कि हमने BOT चेयरमैन का तो नाम ले दिया, लेकिन जो उनकी बैकबोन है, जो उनकी सपोर्ट है, उसका नाम नहीं लिया। तो I was going to take care of that. But I was keeping it for last. के सभी जो मैंने नाम लिए हैं, मोस्टली सभी वडेरा जी, सरकार जी, अक्षय सरकार जी, राजीव बहरेल, उनकी पत्नियों के नाम नहीं लिए, क्योंकि मैं सभी को स्पेशल थैंक्स करना चाहता था कि उनकी जो
स्पाउसेज हैं जो अदर बेटर हाफ है उनके बिना ये सभी कुछ भी नहीं कर सकते थे. तो इसलिए प्लीज गिव देम ए बिग हैंड. शक्ति, वो शक्ति रूप है तो उनके बिना कुछ नहीं चलता. तो अभी मैं अपने BOT चेयरमैन को बुलाऊंगा कि वो आकर आपको कुछ मनोकामना अपने कंग्रेचुलेशंस दे सके. सुननी माए तैनु याद करां ते तेरे राहां विच नैण विछावां मैं. हरी ओम मंदिर विच हनुमान जी दी मां ने मूर्ति स्थापित कराई ते राणी मां दा शुक्र मनावां मैं. प्रभु प्रेमियों मां जद आशीर्वाद मंदिर विच आवे ते समस्त देवी देवतावां नूं सिर नवावां मैं. जयकारा वैष्णो माता दा. प्रभु प्रेमियों, आदरणीय भक्तजनों, जय माता की. आज वाकई हरिओम मंदिर की हिस्ट्री में बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है. आप सभी के चेहरों की मुस्कुराहट बताती है कि आज का दिन बड़ा ही गौरवमयी दिन है. आज के दिन हमारे सब बहन भाइयों के जो सर हैं अच्छे तरह से सामने हैं, कोई झुके नहीं, बड़े गौरव के साथ भरे हैं कि श्रोमणी भक्त हनुमान जी की मूर्ति हमारे मंदिर में स्थापित हुई है. इसलिए सबसे पहले हम वैष्णो माता जी का धन्यवाद करेंगे. जब आप सभी के सामने हम खड़े होते थे तो कहते थे कि माँ हमारी लाज रखना, इन दिनों में वेदर ठीक रखना और हमारे सारे के सारे प्रोग्राम ठीक हों. और आप सभी से प्रार्थना की थी कि भाई आप सच्चे हृदय से प्रार्थना करो कि हमारे सारे कार्य संपन्न हों. जब माँ से प्रार्थना की तो माँ ने सभी देवी देवताओं को कहा कि भाई हरिओम परिवार के सभी भक्त प्रार्थना कर रहे हैं, आप सभी कृपा बरसाएं. पर उस समय इंद्र देवता जी थोड़े से नाराज हो गए. उन्होंने कहा देखिए माँ, जब हरिओम मंदिर में शुरू किया तो सभी को बुलाया, सूर्य देवता को कहा, धूप दी अग्नि देवता को, सबको, मेरा नाम ही लेते रहे, मेरे को नहीं कहा कि बारिश करो, इसलिए मैं थोड़ा सा नाराज हूँ. माँ ने कहा इंद्र देवता तुम्हें नाराज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंद्र देवता जी कहते थे जहाँ श्रोमणी भगत की मूर्ति की स्थापना हो ते मैं ना बरसूँ माँ तो वो कैसा होगा. तो माँ ने कहा भाई हनुमान जी अपना इंद्र देवता जी जरूर बरसना, पर उस टाइम पर जिस समय फंक्शन ना हो. आपने देखा है पहली बार जब बारिश हुई तो हनुमान उस दिन इंद्र देवता जी मंगलवार ही बरसे. हर कार्य मंगलवार को हुआ. जैसे हमारे प्रेसिडेंट ने कहा है कि अभी वो साक्षात हनुमान जी हैं. अरे जिस दिन से प्रभु जी आए उन्होंने इतनी लीलाएं की, प्रभु जी शुरू से ही साक्षात ही रहे, आज तो बिल्कुल साक्षात रूप से हो गए हैं. मैं समय नहीं लूँगा क्योंकि जैसे जैसे कुछ भक्तों को बता दूँ कि जिस दिन हमने ये ऊपर से तरपाल उतारी, प्रभु के बंधन उतारे तो कपड़े से बंद थे. जिस दिन पूजा शुरू करने लगे हवा का झोंका आया तो यहाँ से लेके यहाँ तक पर्दा खुल गया आँखों का. हवन मंत्र शुरू हुए तो पर्दा यहाँ से लेके यहाँ तक खुल गया बिना हाथ लगाए. ये सब उस प्रभु की ही लीला है. चारों तरफ से आप लोग बड़ी खुशी से सभी लोग हमें बधाई दे रहे हैं कि जी आपने बहुत योगदान पाया है, हरिओम मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति लेकर आए हैं, स्थापना कराई है. पर भगत जनों सच्ची बात तो ये है कि हम आपका कर्ज उतार ही नहीं सकते. क्यों नहीं उतार सकते? जब से हरिओम मंदिर में मूर्तियों की स्थापना शुरू हुई आज तक आप सभी ने हमारे को ये सौभाग्य प्राप्त करने का मौका दिया. आपने ही सहयोग दिया कि ये मूर्ति ये लाओ, माता जी की लाओ, दूसरी लाओ.
आज तक सब कार्य आप लोगों ने हमारे हाथों से कराए, सबसे ज़्यादा बधाई के पात्र आप लोग हैं। हम हाथ जोड़कर आप सबका धन्यवाद करते हैं कि आप लोगों ने हमें इस लायक समझा। सही मायनों में आप ही इस चीज़ के बधाई पात्र हैं। हाँ, दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज तक मैं 66 का हो जाना है नेक्स्ट ईयर को, तो मैं श्री कृष्ण तेजपाल जी जानते हैं, मैं कभी सीनियर मीटिंग में नहीं जाता, मैं कहता हूँ कि मैं तो यंग हूँ, परंतु आप लोगों ने मेरे को बुजुर्ग बना दिया है। जितने दिन ये पूजा हुई, जैसे घर में एक बड़ा बुजुर्ग होता है सभी को साथ लेके चलता है, भाई वही बापू का रोल सारे सुबह शाम मैं करता रहा हूँ, इसलिए आपने मुझे को बुजुर्ग बना दिया है। आपका ये भी धन्यवाद, ये भी आपका प्रसाद मंजूर है। हाँ जी वडेरा जी, उसके लिए थोड़ा सा एक इतनी जल्दी से थोड़ा सा मान गया हूँ, बाकी भी मान जाऊँगा। ये जो हनुमान जी की आज स्थापना हुई, हमारे प्रेसिडेंट साहब ने सभी भक्त जनों का, सभी प्रेसिडेंट का, सभी का नाम लिया, हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, हम यही कहेंगे सबका, ये जितने भक्त जनों का नाम लिया ये सिर्फ सेवक ही नहीं, ये हरिओम मंदिर के मोतियों की एक माला है। जैसे 108 माला आप जपते हैं, ये सभी माला के ही मन के हैं। हर प्रेसिडेंट ने, हर डिवोटी ने, हर बोर्ड के मेंबर ने, हर पंडित जी ने अपना योगदान पाया है। किसी ने ड्रेंगे हर डुपेज काउंटी के साथ केस लड़ा ताकि नेबरर सी प्रॉब्लम से, किसी ने ड्रेंगे बनवाई, किसी ने प्रभु का द्वारा बनाया, और आप लोग इतनी सर्दी में आकर इस फंक्शन को कामयाब किया, इसलिए आप सभी बधाई के पात्र हो। सभी का नाम, हम सब का ही एक बार नाम लेते हैं कि आप सभी ने ही कार्य किया है। जय करो बजरंग बली दा, चाचे दरबार की जय। जब कुछ साल हुए तो सतपाल सलवान चेयरमैन थे बिल्डिंग बोर्ड के, और विपिन वडेरा जी प्रेसिडेंट थे, उस टाइम पे ये जिम्मेदारी हमें सौंपी गई थी, तो उसके पश्चात सभी लोगों ने ये मिलकर योगदान पाया। तो हम आपको ये बताएं कि जो भी मंदिर में प्रोग्राम होते हैं, डेली टू डेली ऑपरेशन ये प्रेसिडेंट की जॉब है करने की, और जब भी 20,000 से ऊपर का खर्चा होता है तो बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की जॉब आ जाती है। भले बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ने ये प्रोजेक्ट बिल्डिंग कमेटी को सौंपा, पर फाइनल हम दोनों ही बोर्ड मिलकर करते हैं, इसलिए हम चाहेंगे कि इसके बारे में डिटेल के लिए सतपाल सलवान जी जो पैस चेयरमैन हैं यहाँ आए और बताएं कि ये कैसे हुआ। प्रेसिडेंट ब्रज शर्मा जी यहाँ आ जाएं। भाइयों और बहनों हरिओम। First of all, I thank Lord Krishna and Jagdambe Mata. This long-awaited project had been completed. Several devotees had kept asking me in the previous years, "Kab aayegi Hanuman ji ki murti? Kab aayegi?" I was very much hesitant to answer any question because of our bad experience in the first time, and I wanted to wait till the murti arrives at the temple. Because I didn't want that anymore again we get jinxed. I was still not satisfied. I was very much reluctant to say until the murti came, arrived at the temple, and it was without any defect. And finally, I felt a sigh of relief when it was installed without any problem. So I thank all the Devi Devtas, Lord Krishna, Jagdambe Mata. So this project had started approximately 6 years ago. Because we have got a building committee, the main assignment of the building committee to come up with the design, whatever the devotees wants. Devotee wanted either to have a murti of Lord Shiv or Lord Hanuman. So building committee took the task, started doing explorations
where should the murti should be installed. Finally, coming up after several meetings, it was zeroed on this circle where it's installed. But it was not possible to without building the platform. So it was not possible to install the Lord Shivaji Murti because people that one arpat karte dood. So due to that one, it was finally decided, let's work on Lord Hanumanji Murti. So in order to do it on the site, we have to design the platform. You folks have been hearing all the praises, all the thanks to the devotees who worked hard to make this program very successful. But those are unsung heroes. I like to mention their names also. When this was decided, that those who made it possible for the Hanuman Murti, I was to our late Shri Om Sharma. He was the project architect. He made several sketches to satisfy the board, satisfy the devotees. Madhu Gupta, she kept developing the drawings. And when the drawings were developed, so we thought, Om Sharma and myself, let's have a murti 10 feet tall. It was designed for 18 ton weight. But later on, my brother decided that we should have that's one lotus, you know, that where Hanumanji is going to get his place. The weight was about 7 to 8 ton. We were very much, as a matter of fact, I was really scared whether this our platform will support the weight or not. So when Murti arrived, we found out that it's Brahmin, it's 18 feet, it has got taller to 20 feet. And weight has increased. So a structural engineer, Mr. Bhajan Singh. So we asked him to design for 20 to 30 ton. So if Murti once gets installed, we don't want it to collapse, you know, because there will be so many, that's kind of who see, you know, the people will start discussion, what happened, this is all these the things, you know. So he designed, and Madhu Gupta also worked with him. And Sundar Singh Kalsi builder, everybody knows. He's like a household name. He said, whatever you design, I'll do it. When this one, now they came to put extra support. So Bhajan Singh designed, and that was not very easy to install it, because that we have got only clearance about 3 feet, 6 inches under the platform. Bhajan Singh has got some previous engagement to go to out of town. But he always found time to come to the temple, check it, so that way that one it can support the weight. Finally, I thank all these people, those who worked on that one. There were several meetings, what kind of lights, you know. So the person that Sunny Puri in our office, he helped us to specify the lightings. Though the project got complete. There's another person I like to thank him and most of the people you might have not heard. His name is Paul Haas. I'm not sure how many people are sitting here. You know, when this our first time when we bought the building, Nirmal Bagga knows, and some other old devotee may be knowing, that's our, up to that, this beam, that's wide by 50 feet by 50 feet. And space was not enough. When we went for applied for the permit, there was more than 100 people, you know, the neighbors, the complaint, and our team started thinking, let's forget it, no expansion. Let's be satisfied whatever we have. But Mr. Paul Haas, and this at that time, there's another person, I'm missing the name, Dilip Bami. They helped us, they did, and their help was in the giving us advice how to proceed. Then finally we succeeded, got the permit, we expanded it. And we kept expanding. The last time then people said, this doesn't look like a temple, because this was a church. So not giving the people wanted a Hindu, get the impression of a Hindu temple. People wanted the gate, you know. We were thinking to build the gate the straight. But some devotee wanted, just like Indians, you know, so that way it would guard the the ceiling on the top. So that one, we kept going back and forth, and
If you remember, 30 to 40 people were with me first time when we appeared to the county for the permit, for the hearing. And there were so many neighbors were speaking against us. After they paused, suggest advice, finally we succeeded in getting the permit for the permit, not permit, getting the approval for the gate, but not the parking expansion what we wanted. Paul said, don't be discouraged. He said that one week can appear, there are two other boards. I was working in the downtown, so my brother, our chairman, he went to those meetings. He convinced them that we needed this one. We need these spaces for the seniors. We succeeded. Now, even recently, that when devotee wanted to have their prayer, we didn't know what to do. But first of all, if you want to have a prayer, you want to close the road, you know. What documents they need to get the permit? So with his help, with several meetings, we got the permit. Otherwise, without we were not able to get the permit. So we like to thank him. Toward the end, only thing I wanted to say, our president had been saying this is going to be a tourist attraction. Murthy is unique. It is quite marble, you know. And the people, some people already started asking, will this marble be decolored? All I say that I don't know. This is the best marble in the world. But one thing I would say to the management, to the priest, please, please, I discourage yourself not to start the fire which creates smoke. Otherwise, the murti, that's all the soot. From the smoke, it will start getting this one. And it may be hard to clean. So with this one, I give the mic to the management. Thank you, Brata Shri. Apna sthan grahan kijiye. Bhai, thoda sa dono bhaiyon ki baat mein difference hai. Ye jo murti hai, ye 18 foot 8 inches hai. To bala 20 foot kehne mein ko harj hai. ये कहेगा नहीं 18 फीट है भाई, 18 फीट 8 इंच के हम पैसे पे गए, 18 फीट कैसे हो गई? जब ये पत्थर खान से निकला था तो तकरीबन 35 मैट्रिक टन इसका वेट था और 22 फीट इसकी हाइट थी, लेंथ 22 फीट थी. वहाँ से ही कटकर तो ये 20 मैट्रिक टन का जब रहा तो जयपुर में आया. उसके बाद ये तकरीबन 13.5 मैट्रिक टन पर आई, तो मैं कह रहा था कि भाई 15 मैट्रिक टन है, नहीं 13.5 है भाई. जब प्ले पोडियम पे लगाना है तो वेट हमें ज़्यादा ही चाहिए. टोटल हाइट 28.5 फीट है, तो राउंड में 30 फुट कहना चाहिए कि नहीं? प्रभु के सामने होके कहते हैं भाई इतना तो कहना बनता है. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. जब ये प्रोजेक्ट हमारे को दिया गया तो उस समय फिर धनराशि की जरूरत थी. उस समय सभी भक्तों में बहुत उत्साह था. उस समय हमारे बीच यहाँ डॉक्टर चंद्रमोहनी खराना जी सबसे पहले वो हैं जिन्होंने हाथ खड़ा किया कि भाई मूर्ति कितने की आती है. वडेरा जी ने कहा कि 35,000 की. उसने कहा ये लो 35,000 का चेक, शुरू करो. आज हम चाहेंगे कि डॉक्टर चंद्रमोहनी खराना जी यहाँ आए. प्रेम विजय प्रेसिडेंट ऐसे ही धन्यवाद करता है कि धर्मपत्नियों का धन्यवाद करो. उसने रामायण में कहा था लेडीज को ताड़ने के अधिकारी और पत्नियां पति को ताड़ती हैं. उल्टी रामायण बन गई है. This certificate of appreciation award presented to Chandra Mohini Khurana, MD, on October 20th, 2013, the Hindu Society of Metropolitan Chicago presents this award with our deepest appreciation for your generous donation for the installation of Hanuman statue at Hari Om Mandir, signed by BOT Chairman and EB President. Yeah,
बोले हनुमान जी महाराज की जय। जय करो बजरंग बली का। आप जैसे भक्तजनों से ही आज हम यहां तक पहुंचे हैं। हम रफली आपको बता दें कि हरिओम मंदिर के हनुमान जी को स्थापित करने के लिए मोर देन 150,000 डॉलर का खर्चा हुआ है। आप में से बहुत सारे लोगों ने 11,000, 5,000, 10,000, 1,100 डॉलर्स जो भी आपने दान दक्षिणा दी, आपकी दान दक्षिणा से हम इस जगह पर पहुंचे हैं। डॉक्टर साहब आपका धन्यवाद। अपना स्थान उधर ही ग्रहण कर लेना। अभी जैसे जैसे ही हम आवाज़ देंगे, समय कम होने के कारण सभी से अनुरोध है जरा जल्दी जल्दी से आए ताकि काम को स्पीड अप कर दें। सबसे पहले बोर्ड ऑफ ट्रस्टी बिल्डिंग कमेटी के मधु गुप्ता जी, ओम शर्मा जी के लिए वार्ड लेने के लिए। हाँ जी आओ जी गोपाल जी। ओम शर्मा के बारे में बड़े भाई ने आपको पहले बताया ही था, ये उनके ब्रदर इन लॉ है और यहाँ जो माता बुजुर्ग बैठती हैं वो ओम जी की मदर इन लॉ है। माता जी आप भी खड़े हुई है, ये आपके दामाद का है। मंदिर की सेवा करते करते वो हमारे बीच में नहीं रहे, परंतु हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा की शांति के लिए सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन अवार्ड प्रेजेंटेड टू ओपी शर्मा, ओम पी शर्मा ऑन October 20, 2015 द हिंदू सोसाइटी ऑफ मेट्रोपॉलिटन शिकागो प्रेजेंट्स दिस अवार्ड इन रिकॉग्निशन फॉर अचीवमेंट इन इंजीनियरिंग सर्विस फॉर डिजाइनिंग द प्लेटफॉर्म एट द हनुमान स्टैचू BOT चेयरमैन एंड प्रेजिडेंट। बोले हनुमान जी महाराज की जय। ये करो हनुमान जी का। पाल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भजन सिंह जी, इनके बाद सतपाल सलवान जी रेडी रहे। सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन अवार्ड प्रेजेंटेड टू Bhajan Singh on October 20th, 2013, the Hindu Society of Metropolitan Chicago presents this award in recognition of Structural Engineering Services for designing the platform of the Hanuman statue, signed by BOT Chairman and EB President. धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब ने इनके बारे में आप सभी को बताया ही है और आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा जिस दिन हनुमान जी की स्थापना हो रही थी तो ये भजन सिंह जी यहाँ थे। कुछ कहने दो शब्द। हाँ जी, जिन्हा इशामा नू मुख रख के तुसी हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना की है, मेरी यही प्रार्थना है कि वह सारे दिया जड़िया इशामा ने पूरिया हो। थैंक यू। आइए धन्यवाद सतपाल सलवान।
certificate of appreciation award presented to Satpal Salwan on October 20th, 2013. The Hindu Society of Metropolitan Chicago presents this award for appreciation of coordination of construction services of the platform of Hanuman statue, signed by BOT Chairman and EB President. चलो मामे तो दे लिए I thank the management for accepting our services. And for everybody's information, both are my younger brothers. That people may be thinking that Yudhya is my younger brother. Vej is also my younger brother. And I also want to say one more thing, without consultation of the management team, that our the devotees of Lord Shiva, one day, that's not far, that we will start planning on that one, even if I have to convince a hard amendment. Thank you. ब्रदर श्री बहुत बहुत धन्यवाद. कई बार कई लोग कह देते हैं कि सलवान तेरा जो बड़ा भाई है ना, बड़ा थारोली जेंटलमैन है. मैं कहा मेरा कौन सा थाने में नाम लिखा है, वो जेंटलमैन है तो मेरे कौन सी थाने में हाजिरी लगती है. अभी हम बुलाना चाहेंगे जिन्होंने कंस्ट्रक्शन में दिन रात मेहनत की और इंडिया से उनकी दो शादियां देखने गए थे और दूसरी हमने बीच में ही कैंसिल करवा के उन्हें यहां बुलाया, क्योंकि उनके बगैर वाकया ही ना तो विश्वकर्मा जी का कार्य संपन्न होता था और ना ही कलसी बिल्डर का होता था. हमारा कहने से तात्पर्य है सिंदर सिंह कलसी ऑफ कलसी बिल्डर्स. दिस सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन Award presented to Surinder Singh Kalsi on October 20th, 2013. The Hindu Society of Metropolitan Chicago presents this award in recognition for construction services of the platform for Hanuman statue and sprucing up all the outside areas of the temple, signed by BOT Chairman and EB President. एक प्लेट है डुपेज काउंटी में काम कर रहे पाल हास की. पाल हास के बारे में बड़े भाई ने आपको बताया ही है, पर पहली बार उसकी मुलाकात मेरी 1994 में हुई दिलीप भामी जी के थ्रू. उस दिन से लेकर आज तक उस भक्त ने हरिओम परिवार के लिए बहुत कुछ किया है. इवन ये परमिट नहीं बन पाता था रोड ब्लॉक करने का. जब हमने स्टेट रिप्रेजेंटेटिव से बात की, उसको कहा, उसने कॉल की, पर फिर भी पाल हास का इतना योगदान था शेरिफ डिपार्टमेंट में, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में, सभी से उसने नाता जोड़ के हम सबको ये परमिट दिलाया और उसके लिए ये आज था. आज वो आ नहीं सके हैं, पर फिर भी हम चाहेंगे कि गैर हाजिरी में ही सही प्रभु के द्वारे पर उसके लिए जोरदार तालियों से स्वागत किया. दिस सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन अवार्ड प्रेजेंटेड टू पॉल हास ऑन October 20th, 2013. द हिंदू सोसाइटी ऑफ मेट्रोपॉलिटन शिकागो प्रेजेंट्स दिस अवार्ड फॉर एप्रिसिएशन ऑफ गाइडेंस इन प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स एट हरिओम मंदिर, signed by BOT Chairman and EB President. Abhi Vijay Sharma, Prem Salwan, Nirmal Bagga ji aur hamari secretary sahiba Sneha Chaudhary ji kripa karke yahan aaiye. Abhi hum samman karne wale hain
अपने पंडित जी का, जिन्हों के लिए हम चाहेंगे कि आप फूलों की वर्षा करें और आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा। पंडित योगेश पंडित जी भी यहाँ आए, दिनेश जी पंडित जी भी यहाँ आए, हमारी पंडितायन शीला जी भी यहाँ पहुँचे, मनु भाई जी, शारदा बहन जी कृपा करके यहाँ पहुँचिए। योगेश जी, कल मैंने कहा था कि आप एक छोटी सी डायमंड की रिंग पहनते हैं, बड़े प्राउड के साथ घूमते हैं, ये है हरिओम मंदिर के कोहिनूर के हीरे। कोई डेकोरेशन हो, कभी जब हमने गेट में प्राण प्रतिष्ठा का कार्य किया तो सबसे पहले गेट के ऊपर ये थे, जे रात के 11 बजे हनुमान जी के ऊपर तरपाल या सब कुछ करना था तो योगेश जी। सभी, कोई भी फंक्शन ऐसा नहीं जिसमें ये यहाँ नहीं होते। कभी ये देखिए कितने कितने अच्छे सुंदर वस्त्र हैं, जब भगवान के वस्त्र सीने होते हैं तो यही स्टिचिंग करते हैं। कोई ऐसी फंक्शन नहीं है, इस पर हम चाहेंगे जोरदार ताड़ियों से योगेश जी का स्वागत किया जाए। मंगल मंगल शिवे सर्वार्थ साधके शरण त्र्यंबके गौरी नारायण नमोस्तुते। जयकारो वैष्णो माता दा। पंडित जी के पुरोहित श्री सलवान जी, आपने प्रोजेक्ट का काम कर दिया, देख लिए, बहुत अच्छा हुआ। पंडित दिनेश जी के बारे में आप सभी जानते हैं, पूजा में, पत्री में, कोई भी कर्मकांड हो उसमें ये बड़े निपुण हैं और बड़े सच्चे हृदय से ये मंदिर की सेवा करते हैं। शरण त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। भाई इस मौके पर प्रीस्ट कमेटी के चेयरमैन भी इधर चाहिए और रिलीजियस कमेटी के चेयरमैन शिवाज शर्मा भी यहाँ चाहिए। अभी सारा ग्रुप पढ़ दिया, अभी सारा ग्रुप इकट्ठा हो जाओ भाई, थोड़ा थोड़ा इधर हो जाए, थोड़ा थोड़ा और पानी थोड़ा देखिए। सभी पगड़ी वालों को बुला लीजिए, सभी पगड़ी वाले लोगों को बुला लिया जाए यहाँ पर। प्लीज लुक एट ओवर हियर एवरीबॉडी, भाई थोड़ा सर्कल और बड़ा कर लो, हम बड़ा और कर लो, कोई बात नहीं, कवर हो जाएगा सभी को। ओके शीला जी आपको। ओके प्लीज एवरीबॉडी वन मोर। ये आपके कार्य के मुताबिक बहुत कम है। ये शीला जी के बारे आप जानते हैं, ये पंडितायन जी है यहाँ के, जब भी यहाँ स्वामी जी सभी लोग आते हैं तो ये सभी का ही खाना बनाती हैं, बड़े सच्चे मन से सेवा करती हैं और हमें ये इस चीज पर बड़ा गौरव है कि हमारे हरिओम परिवार में इतने अच्छे पंडित हैं। आए सभी साधु संतों का सम्मान होता है, जैसे कि भारत देश में वही संस्कृति यहाँ अपनाई गई है। मनु भाई ये शारदा जी, धन्यवाद, अपना अपना स्थान ग्रहण कीजिए। जैसे मंदिर के सारे कार्यक्रम चलते रहते हैं, कई बार हमसे भी गलतियां होती हैं, क्षमा मांगते हैं हम भी सभी से। पीछे यूथ नाइट हुई तो पर बात मैं ये कहने वाला हूं कि कई बार गलती कर भी ली जाए तो सबके सामने गलती मान ली जाए तो दोष कम हो जाता है। यूथ नाइट में हमने यूथ प्रेसिडेंट को कहा था कि भाई, बोर्ड ने ये कहा कि भाई इसको हम प्लैक देंगे, पर उस टाइम हमारे पास प्लैक नहीं था,
तो हम लोगों ने भी अपनी इज्जत बनाने के लिए फेक ही प्लैक उसको बेचारे को पकड़ा दिया कि भाई किसी को बताना मत, किसी ने कौन सा नाम पढ़ लेना है, और आपसे बात गलत छिपा नहीं सकते हम भाई। तो इसलिए वो प्लैक आज बनाया है, और तुषार वही है जो उन्होंने सारे यूथ का साथ लेकर ये लोग कल कलश पद यात्रा जब हो रही थी, सबके आगे आगे वो 8-10 बच्चे फ्लैग लेकर चल रहे थे। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो चाहेंगे कि उसके माता पिता मोना शर्मा और दीपक शर्मा को उनके ब्याह पर ये अवार्ड देते हैं। मोना शर्मा दिस सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन अवार्ड प्रेजेंटेड टू तुषार शर्मा ऑन August 26, 2013 द हिंदू सोसाइटी ऑफ मेट्रोपॉलिटन शिकागो प्रेजेंट्स दिस अवार्ड इन रिकॉग्निशन ऑफ योर पार्टिसिपेशन एंड कोऑर्डिनेशन एफर्ट्स फॉर द यूथ नाइट एक्टिविटीज एट हरिओम मंदिर साइंड बाय ब्यूटी चेयरमैन एंड ईबी प्रेसिडेंट। अब हम एक जयकारा आपके नाम का लगाने लगे हैं क्योंकि आप खुश लगते हैं, मेरे को लगता है कि आपने हमारी गलतियों पर पर्दा पा दिया है, इसलिए जयकारा बजरंग बली दा। निवारे की जय। जब ये सारे कार्य संपन्न होते हैं तो हर एक आदमी का एक अपना अपना योग स्थान होता है। सेवादार अपनी सेवा करते हैं, बिल्डिंग कमेटी अपना रोल करती है, पंडित जी अपना रोल करते हैं, और जो सेवादारों के भी आगे सेवादार हैं उनका भी एक स्थान होता है। हम चाहते हैं कि वो भी किसी तरह से पीछे ना रहें। हमारे कहने से मुराद है भरतभाई पटेल एंड राजश्री जी, हरदेव राज, अजय कई, कृपा करके सभी लोग यहाँ आए। अजय कई और भरतभाई यहाँ आइएगा भाई, राजश्री अपनी धर्मपत्नी को भी लाओ। सबसे पहले हम भरत भाई और राजश्री जी से शुरू करेंगे। भरत भाई को मेरे को कहने की ज़रूरत नहीं, आप सभी सभी लोग बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। भरत भाई बड़ा ही अच्छा खाना बनाता है, और जब जब हमने ये कहा कि भाई हरिओम परिवार में हनुमान जी की स्थापना हो रही है, तो इसने एक वीक की छुट्टी ले ली। जबकि भरत भाई हाई पेट का आदमी है तो भी उसने ये छुट्टी ली, इसलिए हम हरिओम परिवार की ओर से इसका सच्चे हृदय से धन्यवाद करना चाहते हैं। सर प्लीज। हरदेव राज जी, हरदेव राज को कौन नहीं जानता, 12 साल हरिओम मंदिर में मैनेजर रहे और आज भी मंदिर की सेवा करते रहते हैं। इसने भी एक वीक की छुट्टियां ले ली और 24 आवर के लिए प्रभु की सेवा में लग गया। और जितने भी ये हमने ये मंगाए हैं, ये हरदेव राज ही है जो कल आपने देखा सभी ट्रस्टी राजस्थानी पगड़ियां बांध कर जा रहे थे और लेडीज़ भी राजस्थानी दुपट्टे में जा रही थी, ये हरदेव राज ही लेकर वहाँ से आया है। एक बार इसका धन्यवाद किया जाए। महाराज की जय। अजय घई, अजय घई हमेशा ही हरिओम मंदिर में कोई भी परिवार हो, कोई भी फंक्शन हो, हरिओम परिवार के फंक्शनों में आगे रहता है। खास तौर पर माँ के देवी जागरण में ये ढोलकी बजाता है और इधर भी फंक्शनों में बजाता है। इसका जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। और कल कलश पद यात्रा में भी सबसे आगे ढोल बजा रहा था। या देवी सर्वभूतेषु मातृभवेन समृद्धा नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
अच्छा ए तेरी तरफ हो गया दे आइए भाई। लो जी अजय भी अपनी जाब छोड़कर आता था तो इसने जो भी तेलफुल हमने दिए थे उसको रिटर्न करने के उपरांत इसने $101 अपनी ओर से मंदिर को डोनेट किया है। हम धन्यवादी हैं ऐसे भक्त के और इसकी श्रद्धा से आपको साक्षात प्रणाम। सुरेंद्र सिंह कलसी जी एक बार दर्शन दीजिए भाई। विश्वकर्मा जी की तो बार बार जरूरत पड़ती है। आपकी सेवा का तो हम कुछ दे नहीं सकते पर हरिओम परिवार की ओर से जो तेलफुल है वो हम आपको जरूर अर्पण करेंगे। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। बहुत शुक्रिया महाराज जी। अब बारी है अन्नपूर्णा मां की जो भंडारे भर के रखती है और हरिओम परिवार की अन्नपूर्णा है उषा वर्मा जी। उषा जी इधर आइए। लेडीज उठकर साथ में उनका सम्मान करके यहाँ लाइए। उठो भाई उषा जी ठहर जाओ भाई। आपके सम्मान के लिए दोनों आपको लेके आए यहाँ। विजय स्नेह जी हाँ निर्मल जी कहाँ गई। बिना भोजन भक्ति ना हो गोपाला भूखे भजन। उषा वर्मा जी का योगदान रोजाना मॉर्निंग और इवनिंग को चाहे बारिश हो चाहे कुछ हो स्नैक्स हो डिनर हो लंच हो बड़ी श्रद्धा के साथ और सच्चे मन के साथ इन्होंने यहाँ आकर बनाया है। मैं चाहूँगा कि एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए। जैसे सबको हनुमान जी के दिए गए हैं ये अन्नपूर्णा माता की तरह माता की ओर से इनको सम्मान करते हैं। ओम सर्व मंगल मंगल्ये श्री सब कार्य संपन्न हुए। जब सब कार्य ब्याह शादी का मामला होता है तो कार्य संपन्न किए जाते हैं। जो चाचे ताए मासी मसड़ पुआ फुफड़ सभी को लाग दिया जाता है तो फिर घर वाले जो बुजुर्ग होते हैं उनकी सेवा का उनका आदर करने का जो गौरव मिलता है उसका आनंद कुछ और ही होता है। हमारे बीच हमारे 1008 मंडलेश्वर के मंडलेश्वर दोनों ही स्वामी जी स्वामी डॉक्टर कमलनाथ राम कमल वेदांति जी महाराज और डॉक्टर स्वामी अर्जनपुरी जी महाराज हमारे बीच हैं। जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए। ये एक स्वामी जी ज्ञान के भंडारे हैं। इतना इन्होंने ज्ञान बांटा है जे आप लोगों को कुछ उसके कुछ भी थोड़ा सा अपने घर में ले जाइए तो आप सबका कल्याण हो जाएगा। रोजाना डॉक्टर कमल वेदांति जी राम कमल वेदांति जी ने मॉर्निंग को इवनिंग को जो सुंदर कांड बड़े ही सुंदर तरीके से हमें सबको सुनाया। स्वामी अर्जनपुरी जी ने भी अपने आप हमारे सबको बताया कि ये हनुमान जी के बारे में सुंदर कांड के बारे में उनके लिए विस्तार सहित कहने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। हम इनका सच्चे हृदय से सम्मान करते हैं।
दिल की गहराइयों से अभिनंदन करते हैं। ये स्वामी जी हमारे एक परिवार का ही हिस्सा है। जब हमने ये कहा कि स्वामी जी आप आए हो, हमें तो इस दिन भी ज़रूरत है, तो मैंने देखी इनकी ईमेल जो तुलसी मानस सरोवर हरिद्वार में है, तो मेरा ख्याल 500 लोगों को थी। तो कभी यूके में कोई इधर उधर प्रोग्राम था तो इनकी ईमेल आई कि इस दिन स्वामी जी की बुकिंग है। स्वामी जी ने कहा नहीं भाई, सारे काम छोड़ के मैं हरिओम मंदिर में शिकागो में जाऊंगा। ये एक कितने बड़े बड़पन की बात है और हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। ये स्वामी जी का इतना बड़े हृदय से कहना हमारे लिए कोई छोटी बात नहीं है। श्री स्वामी राम कमल वेदांती जी, जब मैंने इनसे नम्रता से प्रार्थना की तो इन्होंने कहा कि मेरा उधर आपके पास प्रोग्राम है और बाकी भी कुछ हुए हैं। इन्होंने भी कहा कि नहीं भाई, हरिओम परिवार तो मेरा अपना घर है। और मैंने कहा स्वामी जी आपको शायद पूरा पता नहीं होगा कि हमारी जितनी प्रेसिडेंट टीम है, हर प्रेसिडेंट ने आपको अपने अपने मन में बसाया है। हर लोग आपसे बहुत स्नेह करते हैं, आपको आना ही होगा। तो इन्होंने कहा कि भाई मैं तो पहले ही तैयार हूँ, हरिओम परिवार के लिए मैं हमेशा हाजिर हूँ। बहनों भाइयों एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः भोगा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातुः। जय ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः भूगा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातुः। नीडी पीपल हैं, उनकी हेल्प की जाती है। तो जैसे आप जानते हैं ऐसे कामों में खर्चा तो होता ही है। तो आप भाई बहन कोई भी जो अपनी श्रद्धा से अपने बजट के मुताबिक कुछ भी योगदान पाना चाहें तो जब आप स्वामी जी से प्रसाद लेने के लिए आएंगे तो स्वामी जी को अपना श्रद्धा पर से अपनी डोनेशन दे सकते हैं। थैंक यू। श्री राम जय राम जय राम। प्रिय भाइयों बहनों, जैसा कि अर्जुन अयोध्यानाथ जी ने कहा था मुझे, जब मैं पिछली बार एक दिन के लिए आया था तो ये सूचना मिली थी इस मंगलमय कार्यक्रम के लिए और मेरे कार्यक्रम निश्चित हो चुके थे। जैसा उन्होंने कहा है कि कई कार्यक्रमों को स्थगित करके, क्योंकि मैं सरकार की जब स्थापना हुई यहाँ तब मैं नहीं था, लेकिन मैं ये आखिरी चांस तो नहीं, ये चांस नहीं मिस करना चाहता था। तो ये सत्य है कि कई कार्यक्रमों को स्थगित करके मुझे अपने टिकट को भी एक्सटेंशन करना पड़ा और मैं इसमें भाग लिया। और यदि हम इसमें न भाग लिए होते तो हम वंचित रह जाते। आपके इस सफलतापूर्वक आयोजन की प्रशंसा सुन करके हमको पछताना पड़ता कि मैं यहाँ क्यों नहीं रहा। तो बड़ा सौभाग्य है, मुझे प्रसन्नता है ये सब कार्यक्रम में भाग ले करके। और ये सब प्रेम का रिश्ता है, प्रेम का नाता है। पिछले लंबे वर्षों से मैं यहाँ आपके बीच में आ रहा हूँ। आप लोगों का अपनत्व, स्नेह, श्रद्धा भक्ति जो मिलती है उसके लिए वो हमारे दिल दिमाग में हमेशा आच्छादित रहता है। अयोध्यानाथ जी, एक उर्दू का शेर सुनाऊँ? बोलो श्री राम जय राम। एक मैं अपने दया भाई प्रजापति जो मेरे शिष्य हैं, प्राय मैं शिकागो की यात्रा में उन्हीं के यहाँ ठहरता हूँ,
लेकिन जब सलवान जी ने कहा कि मैं पास में ठहरूं, आरएस गुप्ता को उन्होंने कहा और फिर वो श्री इरमण भाई कुसुम बहन पटेल के यहाँ मेरे रहने की व्यवस्था की। आज वहाँ यज्ञ आदि संपन्न हुआ, बहुत ही प्रसन्नता हुई। हमारे को आपने बहुत जगह ठहराया, उनके आतिथ्य से मैं बड़ी प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूँ। श्री राम जय राम। लाडलो, एक उर्दू का शेर है, यूं तो अपनी कीमत बहुत है ऐ गुलशन, गुलशन संत तो भाव के भूखे होते हैं, यूं तो अपनी कीमत बहुत है ऐ गुलशन, पर कोई खरीदार हो तो मुफ्त भी बिक जाते हैं। ये सारे रिश्ते प्रेम के हैं, हमारे और आपके बीच में जो प्रेम है मेरे रघुनाथ जी, उसको बना कर रखें। ओम शांति। स्वामी जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जब सभी कार्य संपन्न होते हैं, स्वामी जी भी आशीर्वाद देते हैं, तो सभी बहन भाइयों को रिश्तेदारों के लिए भोजन पानी का प्रबंध किया जाता है। आप सबके लिए टेंट में हैप्पी हीर सिंह महाराजा रेस्टोरेंट की ओर से आज का फूड जो भी है उनकी ओर से स्पॉन्सर किया गया है, कृपा करके उनका भी धन्यवाद कीजिए। गर्मा गर्म नान बनाने के लिए के पम्मा किशन कले ओवन शाम्बर की ओर से उन्होंने उधर तंदूर लगाया है, आपको गर्मा गर्म भोजन के लिए जोरदार। और जब सभी लोग खाकर जाते हैं तो उनको विदा करने के लिए टैक्सी का प्रबंध करना पड़ता है, तो ये हैं आपके सामने सरदार गिरिंदर सिंह टैक्सी वाले, बहुत धन्यवाद करिए। चाहे रात हो या दिन हो तो ये हमेशा ही हरिओम परिवार की सर्विस करते हैं, हम आपका बहुत बहुत गिरिंदर सिंह धन्यवाद करते हैं। जैसे हमारे प्रेसिडेंट ने पहले कहा कि हमारे दोनों ही स्वामी जी अपने अपने धर्म के अपने अपने संसार की संस्थाएँ चलाते हैं, वहाँ बहुत सारे योगदान लोग डालते हैं पर खर्चा भी बहुत होता है। वहाँ बहुत सारे ऐसे भी के अनाथ बच्चे आते हैं जिनको एजुकेशन का प्रबंध होता है, वहाँ गौ माता की रक्षा की जाती है। हमेशा ही हमारा समाज जो कि गौ माता की इतनी रक्षा नहीं करता, हमारे दोनों स्वामी जी ने गौशाला खोली हुई है। आपका किसी भी चीज़ में जो भी हो उसमें जरूर श्रद्धा से योगदान पाइए। हमारी प्रेसिडेंट निर्मल बग्गा जी स्वामी जी का आश्रम भी देखकर आए हैं, कुछ भक्तजनों ने स्वामी रामकमल वेदांती जी का भी देखा है। सो आप तो जानते हैं कि ये संस्थाएं आप लोगों के भक्तों के योगदान से ही चलती हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम जानते हैं कि आप समझते हैं कि भाई आप जब माइक पकड़ते हैं छोड़ते नहीं, पर क्या करें, जो भगत सच्चे मन से सेवा करते हैं सारा साल आप तक पहुंचाते हैं, जे हम उनका भी गुणगान ना करें तो फिर ये भी अकीर्तिकन हो जाएंगे हम, इसलिए इनका गुणगान करने के लिए समय लेना पड़ता है। इसलिए एक बार जोरदार जयकारा बोलकर आरती करिए, जय कर वीर बजरंग बली दा। आपका वंस अगेन बहुत बहुत धन्यवाद। अब आरती करें, अपने अपने स्थान पर खड़े होइए, पंडित जी आरती करें।